वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा फ्रॉम जेएमडी और आज आपको दिखाने वाली हूं एक सोसाइटी का फ्लैट 3 BHK प्रॉपर एल टाइप का। लेकिन उससे पहले पूरी बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशंस आपको दिखा देती हूं। ये आप जो पूरा लॉबी एरिया देख रहे हैं, यहां मिलने वाले हैं आपको एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 2 मिलने वाले हैं आगे 2 BHK, 2 इस तरफ ये 2 BHK मिलने वाले हैं आपको, 2 मिलने वाले हैं आपको 3 BHK, एक ये वाला और एक ये वाला। आज मैं दिखाने वाली हूँ प्रॉपर एल टाइप का 3 BHK जो कि 30 और 25 फीट की एल में रहने वाला है। तो फ्रेंड्स हम एंट्री कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी लिफ्ट एरिया पे एंट्री कर लेते हैं हमारे शानदार 3 BHK प्रॉपर एल टाइप के फ्लैट पर। लिविंग एरिया, वाओ क्या कहने, मतलब मेरे को तो वो वाला डायलॉग याद आ रहा है, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मतलब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, सीरियसली ये बिल्कुल वाओ फ्लैट रहने वाला है। आप फ्रंट वॉल का काम देख लीजिए, पूरा हमने काम कर दिया है, कुल्टिंग का, ग्लास वर्क का, WPC पैनल का पूरा काम कर दिया है। यहाँ पे एल टाइप के सोफे की सिटिंग आपको दे दी है, बीच में आपको स्क्वायर शेप में टेबल लगा के दे दिया है, 2 काउच लगा के दे दिया है। एंड फ्रेंड इस तरफ मिलने वाला है एक बहुत बड़ा LED पैनल। आप देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल है, कितना लग्जरी है, मतलब क्या कहने, मतलब मजा आ जाएगा इसको खरीद लेंगे अगर आपको। और इस तरफ रहने वाला है हमारा पूरा मंदिर का स्पेस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फ्लैट के अंदर, मतलब बहुत ही लग्जरी लुक में। और नीचे आपको मिल जाते हैं सारे ड्रॉर्स, देख सकते हैं आप जो कि काफी स्पेशियस है। फ्रेंड्स एक नजर हमारे पूरे फॉल सीलिंग के डिजाइन पर, बीच में मिल रहा है आपको शैंडलियर कम फैन और 2 साथ में मिल रहे हैं छोटे छोटे शैंडलियर और फॉल सीलिंग का डिजाइन तो एकदम राजाओं वाला लुक हमने लगा के करके दे दिया है, मतलब मजा आ जाने वाला है फ्रेंड्स। एंड अब हम एंट्री कर लेते हैं मेरी प्यारी सी सुंदर सी और खूबसूरत सी भाभियों के लिए। तो भाभियां खुश हो जाएंगी क्योंकि किचन आ गई है पूरे यू शेप की। बाहर का आउटरो देख के आपको पता लग रहा होगा, पहले सबसे पहले हमारा ग्रैंड सिग्नेचर वर्क जो कि हमारा वुडन पार्टीशन रहने वाला है। यहाँ पे आप पूरे शेल्फ के ऊपर अपना डेकोरेटिव आइटम प्लेस करिए। तो एंट्री कर लेते हैं हमारी ग्रैंड किचन में। फ्रेंड्स किचन देखो ना कितनी शानदार है, मतलब किचन हो तो ऐसी, मतलब पूरी यू शेप में आपको पूरा कवर मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ नीचे बास्केट से तो व्हाइट कलर का पूरा हमने काम कर दिया है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट क्लोजर का काम किया है, इजीली कोई जंक और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। इस तरह आपको 4 बर्नर स्टोव लगा के दे दिया है। नीचे भी आपको काफी अच्छे बास्केट्स मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं जो कि सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। एंड ऊपर की अगर मैं बात करूँ ओवरहेड्स की तो आप देख सकते हैं कॉपर कलर के लैकर ग्लास का हमने यहाँ काम कर दिया है, आपको मिडल में लगा के दे दिया है चिमनी। और फ्रंट में जो आप विंडो देख रहे हैं ये कोई आम विंडो नहीं है, ये UPVC ग्लास विंडो है जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी आवाज आपकी अंदर से बाहर नहीं जाएगी। और ऊपर से हमने लगा दी है मॉस्किटो जाली। तो फ्रेंड्स एक नजर हमारे ऊपर की फॉल सीलिंग के डिजाइन पर और ऐसे कैसे रह जाएगी हमारी विदाउट पेंट्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा पेंट्री बना के दे दिया है जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान प्लेस कर सकते हैं। नीचे आपको काफी अच्छे सेल्फ मिल जाते हैं और ये स्पेस रहने वाला है फ्रेंड्स आपके फ्रिज का। तो टेंशन नहीं लेनी, फटाफट से आओ फ्लैट को बुक करो, प्रॉपर एल टाइप का 3 BHK का फ्लैट है। और सबसे खास बात ये है कि इसमें बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री रह गई है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्लैट का एक लेआउट समझा देती हूँ। ये लिविंग एरिया है, एक बेडरूम हमारा यहाँ है, एक बेडरूम यहाँ है और एक बेडरूम यहाँ है, यहाँ पर किचन है, ये कॉमन वॉशरूम है। तो एक नजर हमारे कॉमन वॉशरूम पर भी। फ्रेंड्स अब हम एंट्री कर लेते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में जो कि पूरा फुल्ली फर्निश रहने वाला है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल हमने इसका थीम रखा है लाइट ग्रेइश कलर में। सबसे पहले 6.5x6 का बेड प्लेस किया है, फ्रंट वॉल पे आपको कोल्टिंग का काम करके दे दिया है, दोनों साइड आपको डबल डोर अलमीरा बना के दे दिया जो कि काफी स्पेशियस है। नीचे आपको साइड टेबल के साथ में बॉक्स भी मिल जाता है, नीचे देख सकते हैं आप कितने बढ़िया काम करके दे दिया है आपको। एंड सेम कॉन्सेप्ट आपका उधर पे भी रहने वाला है, एक नजर फॉल सीलिंग के डिजाइन पर। और बेड के बिल्कुल ठीक सामने मिल जाता है आपको LED पैनल और डेकोरेटिव शेल्फ वाला एक एरिया। और देख सकते हैं सारे ड्रॉर्स भी आपको यहाँ मिल रहे हैं, WPC पैनल के साथ में जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो सारे इसमें इनबिल्ट करे हैं। और फ्रेंड्स लेडीज कैसे पीछे रह जाएंगे, मतलब आपके लिए ड्रेसिंग एरिया भी लगा के दे दिया है, अपने आप को अच्छे से आप रेडी कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार फ्लैट है,
एक नजर अटैच वॉशरूम पर भी। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं लेके चलती हूँ हमारे सेकंड बेडरूम में, आ जाइए आप। सेकंड बेडरूम भी आप देखेंगे जो कि हमारा पूरा बालकनी के साथ अटैच है, आ जाइए आप। कितना बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। सबसे पहले 6.5x6 का बेड प्लेस किया गया है। फ्रंट वॉल पे लाइट मस्टर्ड कलर में आपको फोल्डिंग का काम करके दे दिया है। दोनों साइड आपको अलमीरा कवर लगा के दे दिया है और साथ में आपको साइड टेबल भी मिल रही है। एंड फ्रेंड्स इस तरफ जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बेबी सो रहे हैं हमारे, तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड अब लेके चलते हैं हम अपनी बालकनी की साइड, लेकिन उससे पहले एक नजर फॉल सीलिंग के डिजाइन पर। और विंडोज तो आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा वेंटिलेशन है इस फ्लैट के अंदर, तो डिस्क्राइब करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले अपनी बालकनी पे नजर डाल लेते हैं। ये पूरा आपको बालकनी मिल रहा है, ये वाली जो रोड मिल रही है आपको पूरे 25 फीट की मिल रही है, और इस तरफ की जो रोड है वो 35 फीट की मिलने वाली है। बालकनी देखिए, बालकनी फ्रेंड्स, बालकनी आपने देखी कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विचेस आपको लगा के दे दिए, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा के दे दिए, टफन ग्लास का काम कर दिया। और फ्रंट की जो रोड आप दिखा दीजिए, पूरे 30 फीट की रोड आपको यहाँ मिलने वाली है। एक नजर हमारी पूरी बालकनी की फॉल सीलिंग के डिजाइन पर, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा ACP का काम कर दिया है, साथ में आपको स्पॉट्स लाइट्स भी लगा के दे दिए हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ अब बारी आ जाती है हमारे थर्ड एंड लास्ट बेडरूम की, तो आ जाइए आप। थर्ड एंड लास्ट बेडरूम भी हमारा बहुत खूबसूरत और सिंपल एंड सोबर सा रहने वाला है। फ्रेंड्स देख लीजिए आप, आपके हिसाब से हम यहाँ वॉलपेपर रेडी करके लगा देंगे। एक नजर हमारे फॉल सीलिंग के डिजाइन पर, यहाँ पे हमने आपको एक एक्स्ट्रा वर्क करके दे दिया है फ्रेंड्स। स्टडी टेबल बना के दे दिया है, ऊपर काफी अच्छा सेल्फ वगैरह बना के दे दिया है, बॉक्स बना के दे दिया है, मतलब इजीली आप इस एरिया को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये प्रॉपर एल टाइप का 3 BHK फ्लैट, जिसमें बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत सारी अमेनिटीज आपको मिल रही है। सोसाइटी का फ्लैट मिल रहा है, 3-sided कॉर्नर बिल्डिंग मिल रही है, और सबसे बड़ी बात फ्रंट का रोड 30 फीट का और साइड का रोड मिल रहा है पूरे 25 फीट का। द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन से केवल ये विदिन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो फ्रेंड्स फटाफट से आइए, फ्लैट को बुक कर आइए। ऐसे फ्लैट की इन्वेंट्री बहुत कम और बहुत रेयर होती है, तो जल्दी कीजिए। आज के लिए अलविदा, ऐसे ही किसी खूबसूरत से फ्लैट के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।